नमस्कार, मैं शिवांगी, आप देख रहे हैं जीएमडी खबर। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का विधानसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है। एक कैबिनेट और 6 राज्य मंत्री समेत कुल 7 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। ब्राह्मण चेहरे के रूप में जितेंद्र प्रसाद ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली, तो वहीं अरविंद कुमार शर्मा का नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ था, उनको कोई भी जगह मंत्रिमंडल में नहीं मिली है। वहीं आपको बता दें कि जेएमडी खबर ने जिन नामों को चलाया था, उन्हीं में से 7 लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली है। योगी मंत्रिमंडल में कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आया जितिन प्रसाद को इनाम मिला है और कैबिनेट मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। मैं जितिन प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता क्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा, तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजमंत्री राज्य के मंत्री के गोपनीयता की शपथ, मैं जितिन प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य में मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक सिवाय जबकि ऐसा मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सामूहिक निर्वहन के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। वहीं बरेली के बेहड़ी से विधायक छत्रपाल गंगवार, गाजीपुर से विधायक संगीता बिंद, बलरामपुर से विधायक पलटू राम, वेस्ट यूपी के प्रभावी नेता एमएलसी धर्मवीर प्रजापति, ओबरा से विधायक संजीव कुमार गौर, मेरठ के हस्तिनापुर से विधायक दिनेश खटिक ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राष्ट्रगान के बाद सभी को मंत्री पद की शपथ दिलाई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में शामिल हुए। मंत्री पद की शपथ के बाद सभी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल का अभिनंदन किया है। वहीं चुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार को बीजेपी के बड़े दाव के रूप में देखा जा रहा है। एससी और ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है और मंत्रिमंडल विस्तार में जगह देकर ये स्पष्ट भी हो गया है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये सबको पता है, इसलिए सभी जातियों को साधने में बीजेपी लगी हुई है। बंगाल चुनाव की गलती को किसी भी सूरत में दोबारा दोहराना नहीं चाहती और यूपी में चुनाव जीत करके विपक्ष को भी जवाब देना चाहती है। वहीं आपको बताते चलें कि सुबह सियासी गलियारों में संजय निषाद का नाम और अरविंद कुमार शर्मा का नाम सबसे ज्यादा उछाला जा रहा था, पर संजय निषाद जो अभी गठबंधन का ऐलान किए हैं वो बंदर क्या करते हैं, तो इसलिए बने रहिए जेएमडी खबर के साथ। फिलहाल योगी सरकार ने मंत्रिमंडल का विस्तार करके अपना दांव तो खेल ही दिया है।